नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के सॉन्ग को अगर आप लैपटॉप में कॉपी करना चाहते हैं तो इस काम को कैसे करेंगे, यही जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि इस काम को कैसे करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लैपटॉप को और मोबाइल को आपस में कनेक्ट करना होगा। और दोस्तों कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मोबाइल का चार्जर है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसका जो यूएसबी वाला सिरा है इसको आपको अपने लैपटॉप में लगा देना है और ये जो दूसरा सिरा है इसको आपको अपने मोबाइल में लगाना है। लेकिन दोस्तों मोबाइल में लगाने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो डिस पीसी है इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपका मोबाइल जो है लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो मोबाइल का जो ड्राइव है जो मेमोरी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं दिस पीसी यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ और जैसे इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो देखिए सामने जैसे ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पे एक जो है ड्राइव तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल ड्राइव यहाँ पे शो होगा। देख पा रहे हैं हमारा जो ये फ़ोन है सैमसंग F62 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा मोबाइल है यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पर जो है क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरनल स्टोरेज है, इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम अपने इस मोबाइल में मेमोरी कार्ड अगर लगाए होते तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड का भी आपको स्टोरेज शो करता। फिलहाल हमने यहाँ पे मेमोरी कार्ड नहीं लगाया है, जो इसका इंटरनल स्टोरेज है इसके अंदर जो सॉन्ग है उसको मैं यहाँ पे लैपटॉप में कॉपी करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले सर्च करेंगे कि जो आपका गाना का फोल्डर या गाना जहाँ पे है सबसे पहले वहाँ पे आप पहुँचेंगे। तो हमारा जो सॉन्ग है डॉक्यूमेंट्स के अंदर है तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर ले रहा हूँ और इसके अंदर यहाँ पे जो सॉन्ग फोल्डर है इसी के अंदर सॉन्ग है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इतने सॉन्ग हैं और मान लीजिए अगर आपके फोल्डर में जितने सॉन्ग हैं सबको अगर आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो देखिए सभी के सभी सॉन्ग यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी करेंगे तो जितने भी ये सॉन्ग हैं ये कॉपी हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए दोस्तों अगर आपको कुछ चुनिंदा सॉन्ग ही केवल सेलेक्ट करना है उस केस में आप क्या करेंगे, मैं इस जो मोबाइल है इसको बगल में रख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको अपने फेवरेट वाले सॉन्ग केवल सेलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंट्रोल बटन को आप प्रेस रखेंगे, फिर दूसरा अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपको चाहिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने तीसरा सॉन्ग यहाँ पे चौथा सॉन्ग, कहने का मतलब आपको कंट्रोल को दबाए रखना और जो भी आप सॉन्ग पे क्लिक करेंगे वो सॉन्ग सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चार सॉन्ग सेलेक्ट कर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे चार सॉन्ग को सेलेक्ट किया हूँ। चलिए इसको मैं कॉपी करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जिसको भी आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे आप करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पे आपको कॉपी मिल जाएगा, इस कॉपी पे आपको क्लिक करना है। तो हमारे फोन के अंदर जो ये सॉन्ग है ये हमारे कॉपी हो चुके हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कट कर देंगे तो ये सॉन्ग जो है जो आपके फ़ोन में यहाँ से हट जाएंगे। तो कॉपी करेंगे तो दोनों जगह रिकॉर्ड बना रहेगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बार कॉपी पे फिर से क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे फाइनली इसको मैं हम मिनिमाइज कर देते हैं और मान लीजिए दोस्तों आपको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सॉन्ग नाम का फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम SONG सॉन्ग लिख देता हूँ और इस पर क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर आ गए और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं जो भी सॉन्ग हमारे फ़ोन के अंदर था मोबाइल के अंदर था वो हमारे लैपटॉप में कॉपी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है मोबाइल के अंदर किसी भी सॉन्ग को फाइल को फोल्डर को आप बहुत ही आसानी से अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।